विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणातून देशभक्तीची भावना रुजवायला हवी असे मत अखिल भारतीय दहशतवाद विरोधी आघाडीचे अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी व्यक्त केले. हा देश काही केवळ राजकारणी चालवत नाहीत. एक जबाबदार नागरिक म्हणून तुम्ही कोठेही गेलात तरी तुम्ही मातृभूमीची आठवण ठेवा. विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या शिक्षणातूनच देशभक्तीची भावना रुजायला हवी. महाराष्ट्राने या देशाने लक्षणीय काम केले असून देशभरात त्याचे अनुकरण होत आहे असे उद्गार मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी काढले. भूगाव येथील पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या 6व्या पदवी प्रदान समारंभात विशेष पाहुणे म्हणून बिट्टा बोलत होते. या समारंभात वर्ष 2013-15 या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना पदव्या देण्यात आल्या. मेघालयचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर डोनवा डेटवेल्सन लापांग या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे होते. तर गुगलच्या सोशल एंटरप्राईज विभागाचे बिझनेस हेड जुल्फी आलो भुट्टो, DHL सप्लाय चेन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मानव संसाधन विभागाचे संचालक शशांक जागीरदार, ॲक्सिस बँकेचे सहाय्यक उपाध्यक्ष आणि शाखा प्रमुख श्रीकांत बोहार्डे, जॉन डीर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश नडगीर, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग कॉर्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्ष विरेन जोशी आणि PIBMचे कार्यकारी संचालक रमनप्रीत आदी यावेळी उपस्थित होते. देशाची सेवा करण्याचे आणि सदैव मातृभूमीची आठवण ठेवण्याचे विद्यार्थ्यांना आवाहन करून बिट्टा म्हणाले, आपण आयुष्यात अनेक ध्येय ठरवतो परंतु देशाचे नाव उंचवण्याचे विसरून जातो. देश आहे म्हणून आपण आहोत. देश हीच आपली ओळख आहे. हा देश केवळ राजकारणी चालवत नाहीत. हा देश चालवण्याची जबाबदारी तुमच्या खांद्यांवर आहे. विद्यार्थ्यांनी जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात जावे परंतु भारत मातेची जास्तीत जास्त सेवा करण्याचा प्रयत्न करावा. या पदवी प्रदान समारंभानंतर माध्यमांशी बोलताना बिट्टा म्हणाले, हमारा मॉडर्न युग आ चुका है और कई नई नई टेक्नोलॉजी नई नई सब चीज़ें आ चुकी हैं. यहाँ से बच्चे अपनी शिक्षा लेके अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे. बच्चों को मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि उनके अंदर वो शक्ति वो जागृति वो आ चुकी है कि वो फ्यूचर लगते हैं हमारे देश का. हमारे देश को किसी न किसी रूप में वो आगे लगे. हर व्यक्ति की अलग अलग लाइन होती है. मेरी टेररिज्म के ऊपर है. मैं अवेयरनेस के लिए काम करता हूँ तो बच्चे अपने तरीके से फाइनेंशली बिजनेस जिस लाइन पे भी जाएंगे वो बैंकिंग में जाएंगे किसी बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो वो भी एक देश की सेवा ही है. हर लाइन एक अलग अलग है और उसमें ये बच्चों को या किसी को या पत्रकारी हो ये सोच लेना चाहिए कि मेरा मकसद इसके साथ देश जुड़ा हुआ है. जब देश जुड़ा हुआ मकसद आएगा तो देश भी मजबूत होगा, खुद भी मजबूत होगा और जिस संस्था से जुड़े हुए हैं. अभी आपने सोशल मीडिया के बारे में बोला था कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज्वाइन होना चाहिए. ऐसा है कि मैं पहले नहीं मानता था इन चीज़ों को क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो मैं महसूस करता हूँ कि कोई भी कुछ भी कमेंट्स लिख सकता है. कोई आदमी साफ होता है, गलत काम करता ही नहीं, वो करता ही देश के लिए है. अगर उसको को गलत कह रहे उसको हर्ट जरूर होगा. कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे जो बम गोलियां खाना पसंद करते हैं, मरना पसंद करते हैं देश के लिए, पर उसको को गलत कह दे वो नहीं बर्दाश्त कर पाए. हमारे जैसे ऐसे होते हम इसलिए इतनी देर उस सोशल मीडिया से दूर रहे. अब जब JNU के बारे में जो कुछ चैनलों पे मेरी इंटरव्यू आई, जो लोगों का रिस्पॉन्स आया पूरे देश के अंदर, ठीक है ना, पूरी दुनिया से आया, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक देश का हिस्सा है, हम इस पर वर्क करते हैं. अगर घर बैठे कोई अच्छा काम करते कुछ बोलते नौजवान या पब्लिक इसमें जागती है. और ये भी पता चला कि हमारे जो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है. तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस पर हमें अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, ना कि इसका मिसयूज़ हो. ISI जैसे है, ऐसे नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे, वो नहीं होना चाहिए, देश के सुड़ा होना चाहिए. JNU प्रकरण के बाद जिस तरह से डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, उससे क्या आप खुश हैं कि लोग दो हिस्सों में बढ़ गए? कोई बोलता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई बोलता है ये क्या कहें, कश्मीर के अंदर जो हमारे इतने जवान शहीद हुए, अभी पूना के पास
कितने जवानों की बॉडी आई, पहले एक की फिर दो की कितनी बॉडी आई, कितने जवान शहीद होते, क्या कश्मीर हम दे देंगे, क्या केरला को आज़ादी दे देंगे, कल कहेंगे पंजाब में खालिस्तान बनाना है तो उसकी आज़ादी दे देंगे, कल को महाराष्ट्र से कहेंगे हम महाराष्ट्र देश से अलग कर देंगे उसको आज़ादी दे देंगे, इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है। इस देश को फ्रीडम है कोई और विचारधारा की जो देश हित में हो, जो राष्ट्र के खिलाफ हो, उसकी किसी को फ्रीडम नहीं है, ना होने देंगे, उसका इलाज वही किया जाएगा जो होता है। देश की फ्रीडम है, आज़ादी की रक्षा है, पर देश को तोड़ने की फ्रीडम किसी को नहीं। देखता हूँ महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है, मुझे नहीं पता क्या शक्ति है, क्या ताकत है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का एक गर्म खून जो है इस धरती के अंदर, सबसे अगर देशभक्ति देखी जाती। डॉक्टर लापांग यांनी PIBM चे कार्यकारी संचालक रमन प्रीत यांच्या नेतृत्वाची स्तुती करताना छोट्याशा पणीची महान व्यक्ती असे त्यांचे वर्णन केले आणि नेपोलियनशी त्यांची तुलना करून ते म्हणाले, एक नवीन मॉडेल देणाऱ्या PIBMला सलाम। बेरोजगारी हा आज देशाला भेडसवणारी मोठी समस्या आहे आणि या समस्येवर उपाय शोधून PIBMने देशाची मोठी सेवा केली आहे। यावेळी डॉक्टर लापांग विद्यार्थ्यांना दर्शनीयता, विश्वसनीयता आणि नम्रता हा मंत्र देऊन त्यांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास प्रेरित केले।